हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर खेमचंद गुर्जर, LBS गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली। आज हम BCom पार्ट थर्ड के EFM के पेपर फर्स्ट ग्रामीण विकास एवं सहकारिता के टॉपिक महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के बारे में चर्चा करेंगे। भारत में महिला एवं बाल विकास विभाग की स्थापना सन 1985 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन की गई। इसका उद्देश्य महिलाओं एवं बालकों के संपूर्ण विकास के लिए योजना बनाना, नीति निर्धारित करना, महिला एवं बालिकाओं संबंधी कानून बनाना एवं उनमें सुधार करना तथा उस क्षेत्र में कार्य करने वाली सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं के कार्यों में तालमेल स्थापित करना एवं उन्हें दिशा निर्देश देना है। इन कार्यक्रमों के लिए केंद्रीय एजेंसी की भूमिका निभाने के अतिरिक्त ये विभाग महिला एवं बाल विकास संबंधी नए नए कार्यक्रम भी लागू करता है। ये कार्यक्रम इनके कल्याण एवं उससे संबंधित सेवाएँ देने, रोजगार के लिए प्रशिक्षण देने, इनके आय में वृद्धि करने तथा इनमें जागरूकता लाने से संबंधित होते हैं। ये विभाग अन्य विकास कार्यक्रम जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण विकास आदि के लिए पूरक के रूप में भी कार्य करता है। इस विभाग के अधीन एक संवैधानिक एवं 3 स्वायत्त संगठन कार्य कर रहे हैं। संवैधानिक संगठनों में राष्ट्रीय महिला आयोग, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन तथा स्वशासी संगठनों में राष्ट्रीय जनभागिता एवं बाल विकास संस्थान NIPCCD, केंद्रीय समाज कल्याण मंडल CSWB तथा राष्ट्रीय महिला कोष कार्यरत हैं, जहां एक और NIPCCD तथा RMK समिति पंजीयन अधिनियम 1860 के अधीन पंजीकृत हैं। वहीं CSWB कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के अंतर्गत बोर्ड के रूप में पंजीकृत हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के अंतर्गत गठित किया गया है। 1 अप्रैल 1993 से खाद्य एवं पोषण मंडल, फूड एंड न्यूट्रिशन बोर्ड, नई राष्ट्रीय पोषण नीति के अधीन महिला एवं बाल विकास विभाग को स्थानांतरित कर दिया गया है। महिलाओं एवं बालकों के पोषण संबंधी समस्याओं के समय निवारण के लिए प्रधानमंत्री के निर्देशन पर राष्ट्रीय पोषण मिशन प्रारंभ किया गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 58.64 करोड़ महिलाएं हैं, जो देश की कुल जनसंख्या का 48.46% है। इसी प्रकार 35 करोड़ बच्चे हैं, जो कुल जनसंख्या का 30% है। इस प्रकार भारत में महिलाओं और बच्चों की जनसंख्या कुल जनसंख्या के लगभग 72% से अधिक है। महिलाओं और बाल विकास संबंधी नीतियां निर्धारित करने, कार्यक्रम बनाने, कानूनों में सुधार करने तथा इनके समग्र विकास के लिए 1985 से महिलाओं और बाल विकास विभाग कार्य कर रहा है। वर्ष 2006 में देश में पृथक महिला एवं बाल विकास मंत्रालय बना दिया गया है। अब हम बात करते हैं बाल विकास संबंधी कार्यक्रम, चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। भारत में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की संख्या लगभग 16 करोड़ है, जो देश की कुल जनसंख्या का 13.1% है। इनके विकास के लिए भारत सरकार द्वारा अनेक कार्यक्रम प्रारंभ किए गए हैं। बच्चों के अधिकारों के लिए राष्ट्रीय आयोग, 5 मार्च 2007 से बच्चों के अधिकारों को संरक्षण के लिए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग कार्य कर रहा है। ये कार्यक्रम प्रमुख रूप से निम्नानुसार हैं: समन्वित बाल विकास सेवा, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। सन 1974 में राष्ट्रीय बाल नीति स्वीकार किए जाने के बाद 1975 क्षेत्र में 33 समन्वित
बाल विकास सेवा ब्लॉकों परियोजनाओं के जरिए इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई। इस कार्यक्रम 6 मूलभूत सेवाएं पूरक पोषाहार, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच, स्वास्थ्य परामर्श, स्कूल पूर्व अनौपचारिक शिक्षा और माताओं के लिए स्वास्थ्य तथा पोषाहार शिक्षा जैसी सुविधाएं एकमुश्त तौर पर उपलब्ध कराई जाती हैं। गर्भवती तथा प्रसूता महिलाएं और 6 वर्ष तक के बच्चे इस कार्यक्रम का लक्ष्य हैं। समन्वित बाल विकास सेवा का दायरा लगातार बढ़ता गया है और 31 दिसंबर 2014 तक इसके अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या बढ़कर 7,067 हो गई है। इस प्रकार देश के सभी 5,320 सामुदायिक विकास खंड तथा प्रमुख शहरी झुग्गी झोंपड़ी बस्तियां इसके अंतर्गत आ गई हैं। समन्वित बाल विकास सेवा देश में बच्चों के लिए चलाए जाने वाला अपनी तरह का अकेला सबसे बड़ा कार्यक्रम है। समन्वित बाल विकास सेवा की सबसे निचले स्तर की इकाई ग्रामीण जनजातीय इलाकों या झुग्गी झोंपड़ी बस्तियों में काम करने वाली आंगनबाड़ियाँ हैं। ग्रामीण इलाकों झुग्गी झोंपड़ी बस्तियों में आमतौर पर करीब 1,000 की आबादी पर एक आंगनबाड़ी खोली जा सकती है, जबकि जनजातीय क्षेत्रों में 700 की आबादी पर एक आंगनबाड़ी खोली जा सकती है। प्रत्येक आंगनबाड़ी की देखरेख के लिए एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता होती है और उसकी मदद के लिए एक सहायक भी उपलब्ध कराया जाता है। कई आंगनबाड़ियों पर निगरानी के लिए एक एक पर्यवेक्षक होता है जो ब्लॉक या परियोजना स्तर के बाल विकास परियोजना अधिकारी के नियंत्रण में रहता है। 31 दिसंबर 2014 तक इस योजना के अंतर्गत 13.42 लाख आंगनबाड़ी केंद्र चल रहे थे। एक जिले के सभी बाल विकास परियोजना अधिकारियों और सभी समन्वित बाल विकास परियोजनाओं की देखरेख जिला स्तर के कार्यक्रम अधिकारी द्वारा की जाती है। समन्वित बाल विकास सेवा का उद्देश्य बच्चों के समग्र विकास के लिए आंगनबाड़ियों के जरिए उन्हें विभिन्न सेवाएं उपलब्ध कराना है। समन्वित बाल विकास सेवा कार्यक्रमों के अनेक मूल्यांकन अध्ययनों से इनके अच्छे प्रभाव का पता चलता है। इन कार्यक्रमों से शिशु मृत्यु दर में कमी आई है, अधिक बच्चों का टीकाकरण किया गया, प्रसूति पूर्व और प्रसूति बाद देखभाल बेहतर हुई है। जहाँ समन्वित बाल विकास कार्यक्रम नहीं चल रहे हैं, उन क्षेत्रों की अपेक्षा समन्वित बाल विकास कार्यक्रम चलाए जाने वाले क्षेत्रों में रोगों की रोकथाम तथा कार्यक्रम के तहत विटामिन ए और लौह की आयरन की कमी वाले बच्चों में पौष्टिकता के स्तर में सुधार हुआ है। छोटे परिवार की मान्यता को भी अधिक लोगों ने स्वीकार किया है। समन्वित बाल विकास सेवा कार्यक्रम के अंतर्गत स्कूली शिक्षा अधूरी छोड़ने वाली उन किशोरियों की ओर अधिक ध्यान दिया जा रहा है जिनकी अब तक उपेक्षा होती रही है। इसके द्वारा उनमें भविष्य में आने वाले मातृत्व के प्रति जिम्मेदारी तथा आने वाले समय में सामाजिक संवादकों की तरह कार्य करने के लिए व्यवहारिक शिक्षा जैसे आवश्यक कार्य की भावना जगाई जाती है। इस तरह की बालिकाओं को जो प्रोत्साहन दिए जाते हैं उनमें स्वास्थ्य पोषाहार, स्कूल पूर्व शिक्षा तथा बच्चों की देखरेख, उनके लिए पौष्टिक आहार और स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में आंगनबाड़ियों के जरिए व्यवहारिक प्रशिक्षण देने और अनुभव प्रदान करने के कार्यक्रम शामिल हैं। इस कार्यक्रम को सम्मिलित बाल विकास सेवा के अंतर्गत आने वाले 507 विकास खंडों में लागू करने मंजूरी दे दी गई है। इन ब्लॉकों की 3.91 लाख बालिकाओं को इसका फायदा मिलेगा। राष्ट्रीय जन सहयोग में बाल विकास संस्थान इस कार्यक्रम के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने वाला शीर्ष संगठन है। दूसरा कार्यक्रम है उदिशा। यह विश्व बैंक के सहयोग से चलाया जाने वाला देशव्यापी प्रशिक्षण कार्यक्रम है। इसके अंतर्गत समन्वित बाल विकास सेवा के अंतर्गत कार्यरत एजेंसियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके अंतर्गत 3 प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है, नियमित प्रशिक्षण, नियमित प्रशिक्षण, अन्य प्रशिक्षण और सूचना शिक्षा एवं संप्रेषण से संबंधित प्रशिक्षण दिया जाता है। इससे संबंधित अन्य कार्यक्रमों पर
हम नेक्स्ट व्याख्यान में चर्चा करेंगे। इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।